हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश और आज की वीडियो अपन करेंगे यार बायोलॉजी 350 प्लस स्कोर के बारे में बात है ना। तो यार जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है, बहुत सारे प्लान्स होते हैं जो आपको मार्केट में मिलते हैं, आप भी खुद भी अपने दिमाग में सोचते हो चीज़ें, लेकिन मैंने उन सारी चीज़ों को जो आप सोचते हो सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके ही मैं एक जो एक और बाकी लोग भी करते हैं और सबसे बेस्ट वही वाली चीज़ है, तो आप उसी चीज़ को फॉलो करें जो मैं आपको बताऊंगा यार, ठीक है ना। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपन वीडियो को यार। तो सबसे पहले अपन जानेंगे यार बायोलॉजी के सारे चैप्टर का वेटेज, कितना वेटेज होता है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है ना। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यार 11th की बायोलॉजी के बारे में कि उसमें जो फर्स्ट के तीन चैप्टर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको बोलते हैं प्लांट डायवर्सिटी, है ना। तो प्लांट डायवर्सिटी से यार मिनिमम हर साल जो जितने सवाल आते हुए हैं, सात क्वेश्चन तो हर साल आने ही हैं इससे, ठीक है ना। प्लांट डायवर्सिटी तीन चैप्टर है, उनको बहुत अच्छे से करें। और अगला जो फोर्थ नंबर का चैप्टर है उसे बोलते हैं एनिमल किंगडम, उससे आएंगे चार क्वेश्चन हर साल, कितने फोर क्वेश्चन, है ना। फिर उसके बाद जो पांच और छह नंबर के मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, इन्हीं से आते हैं यार मॉर्फोलॉजी से तीन क्वेश्चन आते हैं। फिर एक सेवन नंबर का जो चैप्टर एनिमल टिश्यू, उससे आते हैं भाई दो क्वेश्चन, है ना। उसके बाद जो आठ नंबर और टेन नंबर के जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाला चैप्टर है, उससे लगभग दोनों से मिला के अपन बात करें ना, तो उससे लगभग आते हैं भाई सात क्वेश्चन पर ईयर आते हैं ना। अब इसका जो नाइन्थ नंबर का चैप्टर है ना बायोमोलिक्यूल है, वो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, देखो बायोमोलिक्यूल जेनेटिक्स के साथ, क्योंकि वहाँ अपन पढ़ाई भी उसी के साथ करते से रिलेटेड क्यों चैप्टर है वो, इसलिए मैंने वहाँ पे ऐड कर दिया इसको, इस वाले को बाद में इधर मैं जोड़ दूंगा। फिर इसके बाद 10 से 15 वाला जो चैप्टर होते हैं 11th के, उसको बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट के बारे में उसमें बताया जाता है। तो इस वाले चैप्टर से यार अगर मान लें अपन सारी यूनिट से मतलब, तो इस वाली यूनिट से यार लगभग आठ क्वेश्चन पर ईयर आ रहे हैं, आठ से ज़्यादा आते हैं, कभी सात भी आते हैं, कभी नौ भी आ जाते हैं, कभी दस भी आते हैं, लेकिन आठ तो अपने एवरेज होता है ना, बिल्कुल मिनिमम आने ही है। फिर इसके बाद जो 16 से 22 नंबर के जो चैप्टर होते हैं, सात चैप्टर, उनको बोलते हैं एनिमल फिजियोलॉजी, इससे भी आठ क्वेश्चन आते हैं पर ईयर, कभी कभी दस भी जाते हैं, लेकिन आठ तो मिनिमम आने ही है। तो ये वाला वेटेज यार लगभग बात करेंगे 11 से 40 के आसपास क्वेश्चन पर ईयर आते हैं, कभी 42 हो जाते हैं, 40-42 क्वेश्चन हर साल आते हैं, है ना। 12th का थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा होता है, तो 12th वाले में देखना ये लगभग 40 क्वेश्चन हुए हुए हैं ना, 48-50 जो क्वेश्चन है वो 12th वाले पोर्शन से आता है। अगर बात करें 12th के, तो उसमें दो चैप्टर है फर्स्ट और सेकंड नंबर के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अगर इन दोनों की बात करें तो पर ईयर में चार क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना, चला जाएगा और तीन क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, अच्छा अभी पांच भी आ जाते हैं लेकिन चार मिनिमम है। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन हेल्थ आता है, जिसमें तीन नंबर और चार नंबर का चैप्टर है ना, दोनों से हेल्थ और रिप्रोडक्शन दोनों को, तो अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो अपन लगभग हेल्थ से दो क्वेश्चन आएंगे, चार क्वेश्चन आएंगे रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से, इस तरह अगर बात करें तो छह क्वेश्चन आ ही जाते हैं कैसे भी करके। अब सबसे मेजर पॉइंट जो है पांच नंबर और छह नंबर का जो चैप्टर है और इधर बायोमोलिक्यूल है, तो अगर तीनों को मिलाकर अगर बात करेंगे यार, तो अपने पास लगभग बैठते हैं 16 से 15 क्वेश्चन, ठीक है ना, 15 से 16 क्वेश्चन हर साल बैठते हैं भाई। जेनेटिक्स वाले पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप इतना कर लेंगे तो एक इधर से इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल एक पार्ट है ना केमिस्ट्री का, तो उसके बराबर का चैप्टर का वेटेज लेके चलता है 16 क्वेश्चन, है ना। उसके बाद जो 7 नंबर का चैप्टर है इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन से लगभग दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं यार, है ना, कभी कभी तीन भी जाते हैं, तो आप तीन लेके चलो, दोस्तों कम आते हैं, कभी तीन ज़्यादा आते हैं तो आप तीन लेके चले, है ना, तीन क्वेश्चन पर ईयर आते हैं। उसके बाद डिजीज है, डिजीज से दो क्वेश्चन आए जाते हैं हर साल, ये आठ नंबर का चैप्टर, जो नाइन्थ नंबर का चैप्टर है ना फूड प्रोडक्शन वाला, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है इससे भी दो क्वेश्चन पर ईयर आए जाते हैं यार, पर ईयर दो क्वेश्चन आए जाते हैं आराम से, है ना। उसके बाद जो माइक्रोब्स है, माइक्रोब से भी दो क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल में, है ना। फिर इसके बाद ये 10 नंबर का चैप्टर है माइक्रोब्स हो जाते हैं उससे, उसके बाद जो दो चैप्टर आते हैं 11th और 12th नंबर का बायोटेक्नोलॉजी, जो जेनेटिक्स से रिलेटेड चैप्टर है, तो इससे अगर बात करेंगे अपन तो हर साल पांच क्वेश्चन पर ईयर आ ही रहे हैं भाई, आप मिलाना पेपर को पांच क्वेश्चन आते हैं ये। और लास्ट की जो यूनिट है अपनी बहुत बेहतरीन है और बहुत शानदार, बहुत ईजी है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन बच्चों के बहुत ज़्यादा बनते हैं और बहुत ईजी में हो जाते हैं, तो इससे लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह अगर मिला के बात करेंगे अपन तो यार लगभग 40 से 42 क्वेश्चन इधर से आएंगे और 48 से 50 क्वेश्चन इधर से आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह बात करेंगे मतलब 90 क्वेश्चन अपना बायो में बैठता है यार ये वाला, तो ये वाला वेटेज है। कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको मैं लगा देता हूं, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद सेल साइकिल है, उसके बाद तो ये दोनों तो है ही सही, और इधर से 12th में बात करें तो ये रिप्रोडक्शन वाला है और जेनेटिक्स तो है ही सही, और साथ के साथ अपन बात करें तो ये वाली इकोलॉजी भी है यार, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर या 6 यूनिट इसको बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन इससे बैठ रहे हैं अपने, कितने 50 से 60 क्वेश्चन इससे बैठ रहे हैं अपने, अगर इसको करोगे ना आप इसमें आप एक बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच जाओगे आप आराम से। तो ये वाली चीज़ है, इसके लिए आपको क्या फॉलो करना है पूरे साल, हजारों चीज़ें मिलेगी आप लोगों को, किसी की तरफ नहीं जाना, आपको सिर्फ एक वे है, एक रास्ता है जिसको अपनाना है पूरे साल, इसके अलावा दिमाग में कुछ चीज़ लाना ही नहीं है यार, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट करी हुई चीज़ों पर ना,
और लोगों से सीखा भी हूं मैं और खुद भी अभी भी सीख रहा हूं। सीख के चीजें मैं आपको बता, अगर आप मानेंगे मेरी बात को, जो आपका रिजल्ट आएगा 23 तो बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी बायोलॉजी में आने वाली और बहुत बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी आपके, बिना लोड की चीजें हो जाएगी यार। तो इसलिए अपन जिस चीज को फॉलो करेंगे वो वाली चीज को इस तरह फॉलो करें यार, बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से कर पाओगे आप। तो सबसे मेन चीज जो मैं बोलता हूँ आपसे हमेशा कि भैया आप चाहे यूट्यूब से पढ़ो या किसी क्लास से पढ़ो, किसी पेड कोर्स से पढ़ो या किसी कोचिंग से पढ़ो, लेकिन आपको क्लास तो बिल्कुल लेना ही है। क्या क्लास तो आपको बिल्कुल करना ही है भैया, बिना क्लास के अगर आप सोचो एनसीईआरटी पढ़ लूं, मैं सेल्फ से पढ़ लूं, तो चीजें खराब हो जाएगी। और मैं कह रहा हूं आपका है ना 350 प्लस जो अपना टारगेट है भैया, वो वाला वो नहीं कर पाओगे आप कवर, मैं बोलता हूं गारंटेड बोलता हूं नहीं कर पाओगे। एक दो इस बच्चे कुछ कर भी देना तो बात अलग होती है यार, उस चीज को मतलब बोलो आप। 99% जो लोग होते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये वाली क्लास बिल्कुल आपको करनी है। लेकिन और एक क्लास के साथ जो मैं आपसे बोलता था नोट्स बनाने की, तो यहाँ पे आपको नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना आपको, और नोट्स ना तो पढ़ना है और नोट्स बनाना है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत सारा टाइम जाता है ना। तो अपन को क्लास लेना है, क्लास से अपन को चीजें समझनी है, साथ के साथ अपन क्या रखेंगे भैया एनसीईआरटी, अपना पूरा फोकस बायो में किस में रहेगा, एनसीईआरटी में, है ना। अपन एनसीईआरटी को समझेंगे क्लास से, क्लास में क्या चीजें पढ़ा रहे हैं, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजों को, उस हिसाब से अपन अगर एनसीईआरटी को पढ़ेंगे ना अपन, तो बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगी चीजें, बहुत अच्छा स्कोर भी आप कर पा रहे होंगे। तो आप क्या करेंगे, क्लास पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी आपके पास से, क्लास में एनसीईआरटी को आप लाइन देख रहे हो, सर पढ़ा रहे हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर आपको लगते हैं जो एनसीईआरटी रिलेटेड, एनसीईआरटी के पॉइंट से रिलेटेड चीजें, आप क्या करोगे एनसीईआरटी में डाल लोगे, क्या करोगे एनसीईआरटी में डाल लोगे आप, है ना। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे, बाकी एनसीईआरटी आपको पढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, तो उसमें क्या करेंगे आप साथ में रखो मॉड्यूल, मॉड्यूल प्लस एनसीईआरटी, है ना। तो इसमें क्या करना है कि मॉड्यूल पूरा पढ़ना है भैया, पूरा बहुत सारा मॉड्यूल पढ़ना है, फिर एनसीईआरटी पढ़ना है, मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं। आपको मॉड्यूल बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है आपको, पूरा याद नहीं करना है आपको। क्या करना है कि जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसी पैराग्राफ को आप एक बार क्या करेंगे मॉड्यूल से पढ़ लेंगे। ये केवल मॉड्यूल आपको पूरे साल में एक बार फॉलो करना है, उसके बाद आपको हाथ भी नहीं लगाना मॉड्यूल के। आपने एक पैराग्राफ पढ़ा कहीं से एनसीईआरटी से, उसके बाद उसी पैराग्राफ को आपने पढ़ा मॉड्यूल से, मॉड्यूल से पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि इसमें से एक या दो लाइन ऐसी है मॉड्यूल में जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, और वो एनसीईआरटी में उसकी क्या है जो इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट में दी हुई है, कम दी हुई है। कि हो सकता है कभी कभी बहुत सारा कंटेंट होता है ना, बहुत सारे टॉपिक दिए होते हैं एनसीईआरटी में, लेकिन उसका एग्जाम्पल नहीं मिलते आप लोगों को, तो वो एग्जाम्पल क्या है मॉड्यूल में दिए होंगे आपको। तो यहाँ से आप इसमें डाल लेंगे, क्या करेंगे यहाँ से आप इसमें डाल लेंगे, इसमें डालने के बाद क्या होगा आपका जो एनसीईआरटी का जो कंटेंट है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्लास की चीजें भी डली हुई है, इसमें मॉड्यूल भी डले हुए हैं, तो आपको क्लास के नोट्स मॉड्यूल सारी चीजें बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। तो आपको फाइनल में जो टेस्ट देना है वो ओनली किसको देना है, एनसीईआरटी को देना है। इस तरह से आपकी थ्योरी और आपके कंसेप्ट बहुत शानदार हो जाएंगे। उसके बाद जो बात आती है भैया प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस में क्या करेंगे अपन, मॉड्यूल करेंगे क्या, नहीं मॉड्यूल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मॉड्यूल में बहुत सारे फर्स्ट एक्सरसाइज होती है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप उनको करोगे 200-300 क्वेश्चन होते हैं, वो मानना ही, और बहुत टॉपर भी लोग बोलते हैं इस चीज को यार। देखो अपन को क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना बहुत सारा बायो में, अपन को क्या करना है पीवाईक्यू करेंगे, अपन पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू करेंगे ना तो आप देखेंगे 100-150 क्वेश्चन हर चैप्टर में मिल जाएंगे आपको, जो बड़ा सा चैप्टर है ना, कोई छोटा चैप्टर 70-80 मिल जाएंगे, क्योंकि यार 90 क्वेश्चन पर ईयर आ रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं ना। अगर आप 10 साल के पेपर भी लगा रहे हो तो 900 क्वेश्चन बैठ रहे हैं यार आपको पीवाईक्यू के साथ। अगर आप एक मेरी बात मानेंगे ना, तो एक चीज कर लेंगे अपन, एक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जानते होंगे आप लोग, है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है ना, तो उसमें से लगभग हर चैप्टर से 10-15 क्वेश्चन चैप्टर में होते हैं, और बहुत लॉजिकल और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप उनको 10-15 क्वेश्चन करेंगे, आपको लगेगा कि एनसीईआरटी में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो कम पड़ी हुई है इन किसी क्वेश्चन के लिए। तो अगर आप इन 10-15 क्वेश्चन करेंगे, लगभग मान के चलो 50-60 क्वेश्चन का वेटेज है, मान लो आप 50-60 क्वेश्चन सोल्व करना इन 10-15 क्वेश्चन से हो जाएगा आपका काम, 50-60 कंसेप्ट अलग बन जाएंगे 10-15 क्वेश्चन से। तो आप से कहीं से ऑनलाइन डाउनलोड कर लो एनसीईआरटी की साइट पे जाके, या फिर कहीं दुकान से खरीद लो, जैसे आपको सही लगे ना वैसे आप कर लो। मैं तो ये सलाह देता हूँ कि आप है ना ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, ये करेंगे इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये वाला रूटीन आपको पूरे साल फॉलो करना है, इसके अलावा कहीं भी नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है आप कहीं और चीजें भी फॉलो करेंगे, एंड में आपको यही आना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ शुरू से ही करो ना, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, आपको वर्जन भी नहीं आएगा बिल्कुल भी, लोड भी नहीं आएगा, पूरे साल बहुत अच्छे से चलेगा ना। बाकी यार विश्वास बनाए रखो चीजों को लेके आपके, और जो गलतियां मैं कर रहा हूँ ना भाई, मैंने गलतियां करी ना उन चीजों को मैं बता रहा हूँ, क्या बेस्ट बेटा मैंने क्या फॉलो किया, क्या गलतियां मैंने करी जो आप नहीं करे, तो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है काम, है ना। आप उन्हीं चीजों से सीखे यार, टेक किसी के काम नहीं आता, टेक की बात अलग होती है,
है ना, फेलर होके भी इंसान अगर आपको कुछ बता रहा है ना, तो उसको चीज को समझो, है ना, उस चीज को काम में लो, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस और मेरी गलती आपको सिखाई, उन गलतियों से सीख के आप आगे बढ़ेंगे 100%। तो इसी के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, लोगों को शेयर भी करना है, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करना है चैनल को और बने रहना है मेरे साथ। थैंक यू सो मच।